आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका 1787 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को पैथिक लोरेंस की अध्यक्षता के नेतृत्व में भारत आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्टोपर्ट क्रिप्स, पैथिक लोरेंस, एवी अलेक्जेंडर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी 389। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। संविधान सभा में ST एवं ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्रमशः 26 तथा 33। क्वेश्चन नंबर 10। ST और ST की संख्या कितनी थी? 26 होते थी। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? देश का विभाजन हुआ था उसके बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी। देश आज़ाद होने के बाद 562। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी बार रिपीट हुआ है। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। सदस्य 207 मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में स्थायी अध्यक्ष राजन प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? वी एन राव, बेनगल, नरसिंह राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, और लाने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू, जो पहले भारत के प्रधानमंत्री बने। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया। उद्देशिका को ही कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रस्तावना कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, वी द पीपल,
पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती हैं। प्रस्तावना किस देश से लिए गए हैं? प्रस्तावना किस देश से ली गई हैं? प्रस्तावना लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। प्रस्तावना कितनी बार संशोधित किया गया है? एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी के समय। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान ही की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का भाग अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग कहा गया। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को संविधान उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। पृथक संविधान सभा गठित की गई। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 13 समितियां गठित की गई थी संविधान सभा को तैयार करने के लिए। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे जिसमें से अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे कि 114 दिन तक बहस चली। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ, पूर्वी बंगाल से हुआ और विभाजन बाद मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, पहले राष्ट्रपति बने भारत के। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य थे 15, कुल 15 सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बाईस जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय, भारत का जो संविधान निर्माण करने में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11। कुल अवधि कितनी? 165 दिन। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगणमन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान जनगणमन स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार
किया गया 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी को राष्ट्रगान जनगणमन, राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 393 के तहत। भारतीय संविधान की प्रकृति है, भारतीय संविधान की जो प्रकृति कैसी है, एकात्मक और संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है, केसी वीहर ने भारत के संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेद अनुसूचियां भागों की संख्या, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में 495 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं, 25। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती हैं, पहली अनुसूची, संघ उसका राज्य क्षेत्र है। आठवीं अनुसूची के अंदर क्या है, आठवीं अनुसूची के हैं भाषा। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 22, और शुरू में कितनी थी, शुरू में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 64, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। आठवीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित हैं, दूसरी अनुसूची संबंधित हैं पदाधिकारी को वेतन भत्ते पेंशन से रिलेटेड, केंद्र और राज्य संबंध वर्णित हैं सातवीं अनुसूची में, केंद्र और राज्य संबंध हैं सातवीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 71, सातवीं अनुसूची संबंधित हैं राज्य केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड हैं। दसवीं अनुसूची संबंधित हैं दल बदल से संबंधित प्रावधान से, दल बदल, दसवीं अनुसूची दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। संविधान में देश का नाम क्या है, संविधान में देश का नाम है भारत तथा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, पांचवा भाग सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 76, किस पांचवा सबसे बड़ा भाग है, किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन तथा आपात अपंध, 18वें भाग में आपातकाल से रिलेटेड है। निर्वाचन का आर्टिकल है 324 इलेक्शन कमीशन और आपातकाल है 352 से 360 तक,
प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने, प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, अंशतः कठोर और लचीला। अनुच्छेद एक भारत को कहा गया है, राज्यों का एक संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद दो के अंदर। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद दो के तहत होता है। अनुच्छेद तीन के तहत नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र सीमाओं का परिवर्तन करने, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 के अंदर हुई थी। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली के आयोग में आयोग फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में। असम राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। नागालैंड राज्य कब बना था? नागालैंड राज्य कब बना? 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड राज्य बना। गोवा 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा 25वां राज्य बना। दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा कब मिला? दिल्ली भारत की राजधानी 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड की स्थापना हुई 1, 9 तथा 15 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना हुई। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर, आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना बना। संविधान की संप्रभुता निहित है, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा मॉडल किस देश से लिया गया है? संघीय न्यायपालिका कनाडा से संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। मूल मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई हैं जापान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया ली गई हैं आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है आयरलैंड से ली गई हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के बीवर संविधान से। आपातकाल, आपातकाल का प्रावधान भाग 18 के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। और संविधान में संशोधन करने का जो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। वर्तमान में राज्य संघ और संवर्धित सूची में विषयों की संख्या कितनी है? राज्य सूची 61 विषय, संघ सूची 100 विषय, संवर्धित सूची 52 विषय। संवर्धित सूची में विषयों तथा विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हैं केंद्र और राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय हैं, वन और पर्यावरण विषय हैं संवर्धित सूची का। संवर्धित सूची विषय किस देश से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। संवर्धित सूची जो विषय हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। शिक्षा और समाचार पत्र विषय हैं संवर्धित सूची का, शिक्षा संवर्धित सूची का विषय है।
शिक्षा को राज्य सूची संवर्ग सूची में कब स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत शिक्षा राज्य सूची में संवर्ग सूची में स्थानांतरित हुई। एकल नागरिकता प्रभावित है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता नागरिकता विषय है संघ सूची का, नागरिकता संघ सूची का विषय है। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं सब। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि और कानून व्यवस्था। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय हैं, ये सब संघ सूची के विषय हैं संघ। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता है और ब्रिटेन से ली गई। नागरिकता का उल्लेख है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जन्म से, वंश से, परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन से। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था 1955 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहाँ कहा गया है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 301 में किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया, 300 अनुच्छेद 1 में रखा गया। मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार, मौलिक अधिकार को संशोधन करने का अधिकार है संसद को। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है केशवानंद भारतीवाद से। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबन का। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया है ब्रिटेन से, कानून की समानता का अधिकार। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत है आर्टिकल 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1)(क) में। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(क) में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता संरक्षक वर्णित हैं अनुच्छेद 21 में, प्राण और देह की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की हितों का संरक्षण संबंधित अधिकार उल्लेखित हैं अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लागू किया है 1 अप्रैल 2010 से। नीति निर्देश सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देश सिद्धांत? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देश सिद्धांत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम द्वारा भरा काम प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करना कराने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट आदेश जारी करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए 5 रिट हैं बंदी, प्रत्यक्षकरण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार की रिट जारी करता है उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है परामादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए के रक्षा के लिए रिट याचिका हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षकरण।
क्वेश्चन नंबर 144। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य। मूल कर्तव्य वर्णित हैं, मूल कर्तव्य वर्णित हैं संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य का विचार किया गया है पूर्व सोवियत संघ रूस से। भारत के संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या है 11। भारतीय संविधान के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। संसद का स्थायी और उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा, जो भंग हो सकती है। संसद का भवन डिजाइन तैयार किया गया था, संसद का भवन डिजाइन तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद और नया भवन किसने डिजाइन किया, क्वेश्चन में कमेंट कीजिए। संसद भवन की नींव किसने रखी 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। और नया उद्घाटन कब हुआ ये भी कमेंट आंसर दीजिए। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले से। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला। संयुक्त अधिवेशन के निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं, बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 162। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक वो अपने पद पर बना रहता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है 6 माह। भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत के राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से कार्य और शक्तियां ली गई हैं। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होती हैं 35 वर्ष। 35 वर्ष होती हैं न्यूनतम आयु। और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया राष्ट्रपति का वेतन होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के
उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक और अनुमेदक की संख्या होती है 50-50। प्रस्तावक और अनुमेदक की संख्या होती है 50-50 राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जाता है, लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 महीने के अंदर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 189 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले दलित राष्ट्रपति ए के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वी वी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, निर्विरोध राष्ट्रपति एवं संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्ला जिन्होंने एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति पर कार्य किया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं भारत के राष्ट्रपति। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 के तहत, अनुच्छेद अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि से। संविधान के भाग 18 के 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल।